everyone, I'm Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Sections. This is the part 15 of chapter number 3, Playing with Numbers. Last part में हमने prime factorization discuss किया था, किस तरीके से prime factorization find करते हैं, prime factorization क्या होता है, okay? और साथ में कुछ divisibility rules discuss किए थे. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, ए पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. एक बार चेक कर लेते हैं. जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को 3 तो डिवाइड करता है. ओके, 6 को 3 तो डिवाइड करता है लेकिन 6 को 9 डिवाइड नहीं करता. ओके, तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं कि वो 9 से भी डिविजिबल हो. कई केसेस में हो भी सकता है लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है. जैसे हमने यहाँ पे 6 के केस में देखा, 6 को 3 ने डिवाइड किया बट 9 ने डिवाइड नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है? फॉल्स. ओके, फॉल्स हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ बी पार्ट, If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. So, ये हम अपने divisibility rule से भी बता सकते हैं, check भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 9 का factor है. Okay? और अगर कोई number 9 से divide हो रहा है तो वो उसके factor 3 से भी divide हो जाएगा. जैसे अगर 18 9 से divide होता है, right? तो 18 उसके फैक्टर 9 के फैक्टर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. ओके, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू, राइट? तो इस तरीके से हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज का, रूल्स का, डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करेंगे. नाउ सी पार्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. ओके, अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से डिविजिबल होगा. एक बार चेक कर लेते हैं. मुझे एक ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है, अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 को 3 भी डिवाइड करता है. ओके, और 12 को 6 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है बट 12 को 18 डिवाइड नहीं करेगा. ओके, तो इन्होंने ये हमसे पूछा क्यों? इन्होंने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. जैसे हमें बताया गया था कि दो कोप्राइम नंबर्स अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उनका प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 और 6 कोप्राइम तो नहीं है. 6 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट जो 18 है वो उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा जिसको 3 और 6 डिवाइड करते हैं. मतलब हर केस में नहीं करेगा, कहीं कहीं करेगा भी, लेकिन जैसे हमें एक एग्जांपल तो एटलीस्ट मिल ही गया जो 12 है कि इसको 3 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी, लेकिन 18 नहीं कर रहा है. और इसका रीजन सिर्फ एक है कि 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स. नाउ डी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. ये अब सही है, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 और 10 का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट 9 × 10 = 90 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा. ओके, तो ये सब हम डिविजिबिलिटी रूल्स पे, रूल्स को फॉलो करके इनको सॉल्व कर रहे हैं, इन पार्ट्स को. ओके, ई पार्ट, इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. ओके, ये तो नहीं हो सकता. अब डी पार्ट को ही ले लीजिए. जैसे 9 और 10 दो नंबर्स हैं, ये कोप्राइम है लेकिन दोनों में से एक भी प्राइम नहीं है. ठीक है, ना तो 9 प्राइम है ना 10 प्राइम है, बट दोनों कोप्राइम है, तो जो ई स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई. ओके, सो नेक्स्ट एफ पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. ये हर केस में जरूरी नहीं है. जैसे अगर मैं बात करूं, 12 ही बार बार आ जाता है एग्जांपल, कि 12 को 4 तो डिवाइड करता है लेकिन 8 डिवाइड नहीं करता. ओके,
सो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अब ये सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि 4 8 का फैक्टर है, ठीक है। तो रूल क्या कहता था, अगर किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है, अगर 8 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका हर फैक्टर या जो फैक्टर 4 है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू। नाउ एच पार्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी की बात आ गई कि अगर कोई दो नंबर को 6 और 9 को अगर 3 डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, राइट, उनके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 और 15 को भी 3 ने डिवाइड कर दिया। तो ये तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए हैं उसके हिसाब से, और यहाँ से एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि अगर किसी दो नंबर को एक नंबर डिवाइड करता है तो उनके सम को भी वो नंबर डिवाइड करेगा, राइट। लास्ट पार्ट, आई पार्ट, आई पार्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। ओके, सो ये क्या कह रहे हैं, अगर किसी नंबर दो नंबर्स के सम को एक नंबर डिवाइड करता है, ओके, तो उनके वो उन दोनों नंबर्स को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। जैसे अगर मैं ले लूं 12 ले लिया मैंने, ओके, 12 को 6 डिवाइड कर रहा है, ओके, 6 टू जा 12, और अगर दो नंबर्स होते 8 प्लस 4, ओके, 8 प्लस 4 12 है, 12 को 6 से डिवाइड किया तो क्या 6 8 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अगर 6 ने दोनों के सम को डिवाइड किया तो ये जरूरी नहीं कि वो उन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करे, ओके। तो ये उल्टा सही नहीं है, लेकिन अगर दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके सम को तो डिवाइड करेगा, लेकिन अगर सम को डिवाइड कर रहा है जैसा कि आई पार्ट में कहा गया तो जरूरी नहीं कि उन नंबर्स को भी वो सेपरेटली डिवाइड करे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ए पार्ट शो हो रहा है, तो ए पार्ट में क्या दिखा रहे हैं कि 60 को पहले ब्रेक किया गया 6 और 10 में, राइट। अब 6 को ब्रेक करना है, तो 6 को कैसे ब्रेक किया गया, एक पार्ट तो मिल गया हमें 2, तो दूसरा पार्ट कैसे मिलेगा, दूसरा पार्ट मिलेगा हमें 6 को 2 से डिवाइड करके, यानी कि 2 3 10 6, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये 3, राइट। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा 3। इसी तरीके से 10 वाले को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 5 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में क्या होगा, 2, क्योंकि 5 2 10, ओके। तो यहाँ इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दी बी पार्ट। बी में क्या कह रहे हैं, 60 को ब्रेक किया 30 के बाद दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तो 30 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिले, बड़ा इजी है, ये 2 होगा, राइट। अब 30 को ब्रेक किया, एक तो पार्ट 10 है दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 मिले, ये क्वेश्चन मार्क 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं 10 में, तो 10 को कौन से दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं हम, अब दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, और 2 5 10। तो इस तरीके से हम ये चारों क्वेश्चन मार्क्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज दी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है, ओके, कॉम्पोजिट नंबर है 6, और 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6, ये चारों इसके फैक्टर्स हैं। और 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 ही होगा 6 का, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम है और इनका प्रोडक्ट 6 है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स नहीं आए, इसमें 1 नहीं आया,
और इसमें 6 भी नहीं आया। यानी कि हर बार जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन से दो नंबर्स हैं या दो फैक्टर्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो होगा 1 और नंबर इटसेल्फ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, 1 भी प्राइम नहीं है, और जो नंबर है क्योंकि वो कॉम्पोजिट नंबर है इसलिए ये भी प्राइम नहीं है। ओके, तो इसलिए किसी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 भी नहीं आएगा और नंबर इटसेल्फ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नहीं है, राइट? सो अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमें क्या मिल गया। अभी हमने समझ लिया कि क्यों ऐसा हुआ कि 1 और नंबर इटसेल्फ उसमें नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्योंकि दोनों ही प्राइम नहीं है। ओके, वन एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ आर टू फैक्टर्स, आर टू फैक्टर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर, ओके, सिंस दे आर नॉट प्राइम नंबर, राइट? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। That's all for today. Next video में हम exercise 3.5 को continue करेंगे। तब तक आप इस exercise के इन questions की, prime factorization की, factor tree method की practice करते रहिए। खुश रहिए। Take care. Bye bye.